उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन, उनसे जुड़ी हुई जो अब खबर आई है वो बहुत तनावपूर्ण खबर है, क्योंकि खबर यह है कि उत्तर कोरिया ने फिर दो मिसाइलें जापान की तरफ दाग दी और इसके बाद जो दोनों देशों का तनाव है वो काफी बढ़ गया है। जापान बुरी तरह से गुस्से में लाल है और उसने ये कहा है कि ये जो हरकतें हैं उत्तर कोरिया की, ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। इसको लेकर ही जो है दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई है। क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये कौन सी मिसाइल है, किस तरफ दागी गई और जापान इसको लेकर क्या कुछ कह रहा है, क्या किया है उत्तर कोरिया ने, ये जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। तो खबर बताते हैं आपको। दरअसल दक्षिण कोरिया और जापान की सेनाओं ने बताया है कि उत्तर कोरिया ने हथियारों का परीक्षण जारी रखते हुए समुद्र में फिर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। मिसाइल का परीक्षण ऐसे वक्त में हुआ जब कुछ घंटे पहले अमेरिका ने उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर कूटनीतिक बहाल करने की अपनी पेशकश दोहराई थी। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने यह नहीं बताया है कि यह किस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल थी या कितनी दूर गिरी, लेकिन मीडिया में आई खबरों का दावा है कि यह पनडुब्बी से दागे जाने वाली मिसाइलें थी। जापान के तटरक्षक बल ने जहाज की सुरक्षा के लिए एक परामर्श जारी किया, लेकिन अभी यह नहीं बताया गया है कि मिसाइल कहां गिरी। दक्षिण कोरिया जो के तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस घटना की चर्चा की योजना बनाई जा रही है। दक्षिण कोरिया की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया भी दी गई है। उत्तर कोरिया के इस हरकत को आक्रोशित करने वाला बताया गया है। उत्तर कोरिया सियोल पर उसके हथियार परीक्षण की निंदा करने जबकि अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने का आरोप लगाता रहा है। उत्तर कोरिया ने कई महीनों बाद सितंबर में अपने हथियार परीक्षणों को तेज कर दिया, जिसके बाद से ही तनाव दोनों देशों के बीच बढ़ा हुआ है। वहीं जापान भी जो है, जापान के प्रधानमंत्री ने जो है इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये हरकतें जो हैं वो बर्दाश्त के बाहर की चीज हैं, और जिस तरीके से उत्तर कोरिया अपनी हरकतें कर रहा है वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि उसके मन में जो शंकाएं हैं वो उसको दूर करने के लिए वो लगातार अपने आप को लगातार ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच जो है वो परमाणु वार्ता बीते 2 साल से अधिक समय से रुकी हुई है, और अमेरिका अब जो कोशिश कर रहा है वो ये कि कैसे भी करके प्योंगयांग से जो है वो संपर्क बहाल किया जाए, बातचीत की जाए, ताकि ये जो पूरा इलाका है वहाँ शांति को स्थापित किया जा सके और किसी भी तरह से किम जोंग उनको जो है वो बातचीत की मेज पर लाया जाए और इस तरह की जो वो गैर जिम्मेदाराना परीक्षण करते हैं जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है उसको लेकर रोका जाए। लेकिन उत्तर कोरिया का जो मिजाज है वो साफ है। ये कोई पहली बार नहीं है जब उत्तर कोरिया ने इस तरह की मिसाइल दाग दी और दक्षिण कोरिया से लेकर जापान तक में हड़कंप मच गया। यूएस की भी भौंहें तन गई कि भैया ये क्या कर रहे हो, आखिर बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर कोरिया का माइंडसेट जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर दिख रहा है और उत्तर कोरिया ये साफ संदेश दे रहा है कि हम अपनी आत्मरक्षा में ये तमाम चीजें कर रहे हैं। और यही कारण है कि आत्म सुरक्षा के नाम पर जिस तरीके के हथियारों को वो डेवलप कर रहा है, जिस तरीके के हथियारों का परीक्षण कर रहा है, उससे उसके पड़ोसी देशों में खौफ है कि इस तरह की हरकत एक बड़ी तबाही ला सकती है और अगर जंग छिड़ गया तो उसका नुकसान बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसे ही तमाम रक्षा सुरक्षा से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।